ओके बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल बच्चों. सो फाइनली वी आर बैक विद द ट्रिक नंबर 5 ऑफ योर चैनल और ऑफ योर मैथ्स वी कैन से. ठीक है. सो बच्चों, अभी तक हमने चार ट्रिक बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया है. ट्रिक क्यूब स्क्वायर वाला आज थोड़ा सा डिफरेंट है. ये थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटीज में हम आ गए, रेशियोज में. ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्प करता है 10 क्लास के ऊपर के बच्चों के लिए. 9 क्लास ICSE बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा, बट 10, 11, 12 के बच्चे फिर जो एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं, बहुत ही हेल्प करता है ये ट्रिगोनोमेट्री वाला रेशियो. और जो वैल्यू हमको कभी भी याद नहीं रहता, बहुत मतलब बहुत जगह में हम उसको वैल्यू को निकालना पड़ता है या फिर भूल जाते हैं कभी कभी. दोस्त को पूछते हैं कि ये वाला वैल्यू कितना है. तो अभी मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें आप लोग विदिन ये टेबल को, पूरा टेबल को विदिन 30 सेकेंड या 25 सेकेंड में पूरा टेबल को बना सकते हो. और एक बार टेबल को बना लोगे तो कोई भी वैल्यू आप लोग डिफाइन कर सकते हो. तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, 10th क्लास के, 12th क्लास के, कहीं पे भी 11th क्लास में भी जरूरत होता है. तो आप लोगों को अगर पूरा वैल्यू को याद रखना है तो क्विकली आप लोग क्या कर रहे हैं, 30 सेकेंड, हार्डली 30 सेकेंड लगेगा पूरा टेबल को बनाने में. और एक बार पूरा टेबल आप लोग बना लोगे तो बहुत ही हेल्प करेगा वो सब आपको डिफाइन करने में. कोई भी वैल्यू, कॉस 60 कहीं पर जरूरत होगा, कॉट 60 कहीं पर जरूरत होगा, साइन 90 कहीं पर जरूरत होगा. तो यहाँ पर मैंने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के लिखा है. 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आर देयर, आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. ठीक है. और एंगल्स मैंने 90 तक लिया है. जब हम 11 क्लास में जाएंगे ऑब्वियसली और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, बट जो ज्यादा हम यूज करते हैं 0 से 90 के बीच में यूज करते हैं. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2. तो अभी के लिए 10th के बच्चे ये पाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, वो आप लोग 11th में जब जाओगे वो समझोगे. तो 10th तक जो बच्चे हो आप लोग 0 डिग्री के अनुसार तो समझ सकते हो कि 0 डिग्री कैसे निकालते हैं. 30 डिग्री, 45, 60, 90, बहुत जगह में बहुत हेल्प करता है बच्चों ये सब कॉन्सेप्ट. तो हम सीखते हैं अभी कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है. पहला, अगर देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है ना, पहला अगर साइन का आप लोग का याद है, एक साइन का अगर ये 5 वैल्यू आप लोग को याद आ रहा है ना, तो बाकी सब कुछ आ जाएगा. बस साइन थीटा का सब 5 वैल्यू याद रखना है. तो वही याद रखना है, याद नहीं रख सकते बच्चे, याद नहीं रख सकते ना. कुछ कुछ होते क्या ना, रट्टा मार देते. तो रट्टा मारने में हमेशा वो कारीगर नहीं समझाता. तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ अभी. और अगर आप लोग को जैसे कि नॉर्मली आप लोग बताए कि ये 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2, √3/2, 1 होता है, तो कुछ बच्चे याद रख लेते हैं उसको देख के, बाकी को डिराइव कर लेते हैं. बट उसको भी जो बच्चे याद नहीं रख पा रहे उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आप लोग को बता देता हूँ जो कि बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको. ठीक है, क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 लिख दो. ठीक है, पहले मैं 0 से लिखते जा रहा हूँ. मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा. पहले लिख लो 0, 1, 2, 3, 4 लिखना हो गया सबका. ठीक है, अभी क्या करूंगा मैं, बाय 4 कर दूंगा सब में, सब में डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा. ये 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4. ठीक है, उसके करने के बाद सब में रूट ओवर ले जाऊंगा, सबका स्क्वायर रूट ले जाऊंगा, सबका स्क्वायर रूट. क्या 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 मैंने समझ में आया, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, फिर सब में डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, 4, 4, 4, 4, 4, सबका रूट ओवर ले लिया. तो अभी देखो ध्यान से, 0/4 का रूट ओवर, 0/4 कितना आता है, 0, 0 का रूट ओवर 0, पहला वैल्यू हो गया 0. 1/4 का रूट ओवर, 1 का तो 1, 4 का बच्चों कितना 2, तो 1/2. 2/4 को अगर कट करेंगे तो 1/2 आ रहा है. 1/2 का जब रूट ओवर लगेंगे, 1 तो 1 का तो रूट ओवर 1 ही होता है, 4 का कितना हो गया, 2 का कितना हो गया, √2 हो गया. यहां पे वैसे 3 का तो √3 होगा, 4 का रूट ओवर कितना 2, और 4/4 1, 1 का रूट ओवर 1. चेक कर लो बच्चों अभी. हाँ क्या अभी याद रख सकते हो, तो ये आ गया 1, ये आ गया √3/2, ये आ गया 1/2, 1/√2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0. अभी क्लियर पूरा, अभी आई डोंट थिंक कि अभी आप लोग भूलोगे कभी भी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 कैसे होता है. ऐसे करके याद रहे, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, फिर डिवाइडेड बाय 4 कर दो, फिर सबका रूट ओवर ले जाओ. 0/4 0, उसका रूट ओवर 0, 1/4 का रूट ओवर 1/2, 2/4 का रूट ओवर 1/√2, √3/4 का रूट ओवर √3/2, 4/4 का रूट ओवर 1. तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. क्लियर बच्चों. कॉस थीटा क्या करेंगे, साइन थीटा का रिवर्स कर दो, साइन थीटा का रिवर्स कर दो. जो साइन में लिखे हो उसको रिवर्स कर दो, REV, रिवर्स. जो वहां से लिखे उसको उल्टा करके लिख दो. तो ये वहां पे 1 लिखे थे, यहाँ पे 1 कर दो. यहाँ पे √3/2 लिखे थे, यहाँ पे √3/2 कर दो. ठीक है, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ऐसे साइड वाइज लिखने से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पे हो गया √3/2, ये हो गया फिर 1/√2, फिर आ गया 1/2, फिर आ गया 0, हो गया खत्म. साइन का अगर हो गया ना, साइन का अगर याद रख लिए तो कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सबका हो जाएगा.
हो गया, कॉस का हो गया। अभी देखो साइन का रेसिप्रोकल बच्चों कितना होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। अगर साइन का याद है तो रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई समथिंग, तो 1 बाई 0, यहाँ पे 0 है तो 1 बाई 0 ये होता है बच्चों अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 2 बाई रूट 3, ये हो गया 1, ठीक है। तो कॉसेक थीटा हो गया। अभी सेक का अगर करोगे तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई 1 1, रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, 1 बाई 2 का 2, 0 का इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। ऐसे भी कर सकते हो कॉसेक को, या फिर रिवर्स कर दो इसको, कॉसेक को रिवर्स कर दो। अगर जो भी लिखे इसको उल्टा देखो, देखो ये दोनों का रिवर्स है, ये दोनों का रिवर्स है, वैसे टेन कॉट का भी रिवर्स होगा। तो टेन कॉट निकालने के लिए एक टेन कैसे निकालेंगे, साइन बाई कॉस। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, साइन थीटा भी कॉस थीटा होता है, आपको पता है साइन बाई कॉस होता है। तो साइन वैल्यू और कॉस वैल्यू को डिवाइड करो, 0 बाई 1 कितना हो रहा है 0, 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2 कितना आ रहा है बच्चों 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 कितना आता है रूट 3 आ रहा है, 1 बाई 0 कितना होता है नीचे में 0 मतलब अनडिफाइंड। अभी इसको रिवर्स करके लिख दो, पहला आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा रूट 3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1 बाई रूट 3, फिर आ जाएगा 0। या फिर कॉट को हम कॉस बाई साइन करके भी निकाल सकते हैं, बट यहां से अगर रिवर्स करके निकाल रहे हो तो और क्यों निकालना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग 30 सेकंड में, मैंने ये समझा रहा था इसलिए आप लोगों को टाइम लगा, बट एक बार आप लोग ट्रिक समझ गए ना, आप लोगों को 30 सेकंड लगेगा पूरा को कंप्लीट करने में। तो आप लोग ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग का 30 सेकंड में क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कमेंट देख के मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चल रहा एक्चुअली आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि ये यूजफुल रहा कि नहीं, और क्या नेक्स्ट ट्रिक आपको क्या नेक्स्ट ट्रिक्स चाहिए किसमें की वीडियो बनाएं, क्योंकि ये वाला बहुत ही आप मुझे मतलब बच्चे ने बोला था कि सर इसका एक ट्रिक बनाइए जो कि हम क्लियरली याद रख पाएंगे, साइन का वैल्यू ज्यादातर याद नहीं रख पा रहे थे, तो ये ट्रिक मैंने बता दिया। अभी याद रख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, फिर डिवाइडेड बाई 4 कर दो सब में, सबका रूटेबल ले दो, तो ये 0 हो गया, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, 1। और जिसका ये वाला वैल्यू क्लियर है, साइन से कॉस निकाल सकते हो रिवर्स करके, साइन से कॉस टेक निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके, सेक कॉस से सेक निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करते, या फिर इसको रिवर्स कर दो, ये दोनों रिवर्स, ये दोनों रिवर्स, ये दोनों रिवर्स, ठीक है। फिर साइन बाई कॉस करके टैन निकल गया, टैन निकल गया तो रिवर्स कर दो तो कॉट निकल जाएगा, या फिर कॉट को हम कॉस बाई साइन करके भी निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल बच्चों, ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना, और टेंथ से ऊपर वाले बच्चे जितने भी हैं जब भी आप लोगों को ये वाला जरूरत है तो 30 सेकंड लगेगा रफ पेपर में, पहले इसको बना लो, फिर कहीं पर भी कोई भी वैल्यू जरूरत होगा यहाँ से देख के आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। बच्चों आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, तो अगर क्लियर है एक बड़ा सा थम्स अप दे देना, और कमेंट करके मुझे नीचे में बताना कि आप लोगों को यूजफुल रहा है या नहीं, और क्या क्या ट्रिक आप लोगों को चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताना, ताकि हम हर दिन तो नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन कंटिन्यूअसली हम कुछ ट्रिक्स लाएंगे जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को मैथ्स को इजी करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, जय जगन्नाथ।